हम इस बुक के शुरू के 8 चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम HTML कवर करेंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर हम चैप्टर 9 को स्किप करेंगे, चैप्टर 10 से लेके फिर चैप्टर नंबर हम 16-17 तक हम CSS कवर करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। तो कोई ज़रा आप में से बताए कि HTML जब सुनते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है, HTML से आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सही जवाब दें। सही जवाब होता तो फिर आप आता ही नहीं कोई पढ़ना। अगर सब एक लैंग्वेज है जिसको ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सकता है, दोस्त ने बताया। और आप में से कोई भी ओपिनियन देना चाहे, कंप्यूटर की एक ज़ुबान है। बिल्कुल सही जी, सही। तो दोस्त ने बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। तो अब ज़रा सा आ जाते हैं हम इस बुक के ना चैप्टर नंबर 1 पे, इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन ले लें। एक्चुअल में तो हम HTML नहीं शायद शुरू कर पाएँ आज, तो इंट्रोडक्शन आवाज ले लेते हैं कि HTML असल में भला है क्या। अच्छा, और HTML जैसा कि दोस्त ने बताया एक लैंग्वेज है, वेबसाइट बनाने के काम आती है। जब हमें कोई वेबसाइट बनानी होती है तो सबसे पहली जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो HTML है। तो HTML ये है क्या, और वेबसाइट इन द फर्स्ट प्लेस जो है वो क्या चीज़ है। वेबसाइट वैसे तो हम डेली विज़िट करते हैं, हम यूज़र हैं वेबसाइट के, लेकिन वो वेबसाइट असल में है क्या, अंडर द हुड क्या मामला चल रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम कोशिश करेंगे कि आज एटलीस्ट हम वो कवर कर लें, और मे बी हम हेलो वर्ल्ड भी कर लें। हेलो वर्ल्ड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जब हम एक पहला प्रोग्राम बनाते हैं उसको हेलो वर्ल्ड कहते हैं आमतौर पे लोग। तो वो कोशिश करेंगे हम कि HTML का नाम हेलो वर्ल्ड भी कर लें आज जाने से पहले। अच्छा, तो क्या है भाई ये वेबसाइट, क्या भला है। अच्छा, फर्स्टली थैंक यू फॉर पिकिंग दिस बुक, राइटर आपको थैंक यू कर रहा है। अच्छा, कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं ना तो राइटर जो बुक का होता है वो असल में आपसे बात कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बुक हमने पढ़नी है बाय द वे। ये जो बुक है ना, वैसे तो क्लास में जाहिर है हम उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ पाएंगे बुक को, लेकिन आपने ना कोशिश करना है कि इस बुक को आप जब आपको मौका मिले घर में या कहीं बैठे हुए आप तो फ़ोन में अपने आप डाल लें PDF, तो उसको अपना पढ़ेंगे बुक को। तो राइटर आपसे असल में बात कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ये शुरू में ज़रा इन्होंने बताया है कि इस बुक में ना, ये असल में बहुत अच्छे राइटर हैं, डिज़ाइनर लेवल के राइटर हैं ये। तो इन्होंने बताया कि यार ये चैप्टर किस तरह से होंगे, जो पहला पेज होगा किसी भी चैप्टर का ना वो इस तरह से होगा, कलर देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या है चैप्टर में। अच्छा, फिर जहाँ पे इन्होंने डिटेल्स बताई भी होंगी, कोडिंग एग्जांपल दी भी होगी, तो वो कुछ इस तरह का होगा वो वाला। अच्छा, फिर जहाँ पे डायग्राम्स वगैरह होंगी वो कुछ इस तरह का होगा, पूरा पेज डार्क ब्राउन होगा और उसके अंदर जो है ना डायग्राम बड़ा बड़ा बना के दिखाया होगा। तो ये कुछ डिज़ाइन डिस्कस कर रहे हैं। समरी का पेज ऐसे ब्लू कलर का होगा। अच्छा जी, HTML CSS इसमें कवर हो रहा है, और कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने इसमें शेयर की है। हर चैप्टर के आखिर में कुछ प्रैक्टिकल कोडिंग इन्होंने लिख कर बताई है कि यार आपने भी लिखना है ये वाला। तो प्रैक्टिकल भी इसमें शामिल है बुक में HTML CSS के साथ। अच्छा, तो अब ये आ गई कि हाउ पीपल एक्सेस वेब, हाउ वेब वर्क्स, वेब काम करता कैसे इन द फर्स्ट प्लेस। तो हम ये देख रहे थे कि HTML वेबसाइट बनाने के काम आती है। तो हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट इन द फर्स्ट प्लेस है क्या चीज़, और ये वेबसाइट शुरू कैसे हुई, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, क्या चक्कर था पूरा। क्योंकि जब तक ये पीछे की कहानी पूरी पता नहीं होगी ना अच्छी तरह, तो फिर आगे क्या हो रहा है ये समझना मुश्किल होता है समटाइम ना। तो अगर फ्यूचर को समझना है तो पास्ट को देखना पड़ता है। तो हम शुरू से समझते हैं कि ये वेबसाइट का चक्कर है क्या। अच्छा, जब शुरू शुरू में कंप्यूटर जब बने तो उस वक्त तो इंटरनेट तो नहीं आया था, इंटरनेट तो बाद में आया, कंप्यूटर पहले बने थे। अच्छा, मगर मैं आपको ना इंटरनेट की एक बहुत बेसिक मिसाल दे के समझाऊँ आपको कि आप इसको ऐसे समझें कि एक मोर्चा बना हुआ है। अच्छा, उसमें एक बटन का स्विच है, बटन ऑन ऑफ का। अच्छा, फिर एक दूर कहीं दूसरा मोर्चा बना हुआ है, यहाँ से तार गई हुई है, उधर बल्ब लगा हुआ है दूसरे में मोर्चे में। अब यहाँ से मैंने ना बल्ब को ऑन किया तो उधर बल्ब ऑन हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने आपस में एक प्रोटोकॉल सेट कर लिया, जो अभी है वो प्रोटोकॉल HTTP होता है इंटरनेट का नाम है उसका। तो हमने आपस में एक प्रोटोकॉल मिसाल के तौर पे सेट कर लिया कि अच्छा यार, अगर इस बटन को मैं एक दफ़ा दबाऊँगा ऑन ऑफ करूँगा तो इसका ये मतलब है, दो दफ़ा दबाऊँगा तो उसका कुछ और। पहले से हमने एक चार्ट बना लिया, सेट कर लिया। अच्छा, अब ये क्या हो गई, ये कम्युनिकेशन शुरू हो गई।
तो ये इंटरनेट की सबसे बेसिक मिसाल है। अच्छा फिर क्या हुआ, यहाँ से मैंने दबाया बातचीत, शुरू में तो दो चार होगा, फिर वो ज़ाहिर लिस्ट लंबी चौड़ी हो गई। मैंने कहा कि अच्छा यार दो क्लिक का मतलब है कि भाई अंडर अटैक है हम, अगर वो तीन दफ़ा मैंने ऑन ऑफ किया फ़ौरन फ़ौरन तो इसका मतलब है कि वो हम खाना खाने के ब्रेक पे जा रहे हैं सम टाइम समथिंग लाइक दैट, ये हमने एक बना लिया। अच्छा फिर ये तो लेकिन वन वे है, वो जवाब कैसे देगा? अच्छा तो फिर यही सेटिंग कि वहाँ एक बटन लगा दिया और वहाँ से एक तार खींच के यहाँ बल्ब ला के लगा दिया। अब यहाँ से हम बोलेंगे तीन दफ़ा कि भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और वो एक दफ़ा का मतलब है ओके, वो एक दफ़ा दबाएगा ओके कर दिया उसने, अब ये कैसी बातचीत शुरू हो गई बैक एंड फोर्थ। तो ये इंटरनेट की सबसे बेसिक मिसाल आपको मैंने समझा दी, इंटरनेट में बस यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा और वो जो एक दफ़ा ऑन होता है और एक दफ़ा ऑफ होता है ना, उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में हम 01 से जानते हैं, जो आपने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर तो 01 पे चलता है, बाइनरी पे चलता है, तो असल में ये 01 ये होता है कि ऑन को वो कहते हैं 1 और जब ऑफ हो जाता है तो उसको 0 कहते हैं। अच्छा डिफरेंट कंप्यूटर साइंस में इसका एक ये नाम है बाइनरी ऑन ऑफ, लेकिन डिफरेंट जो साइंस की ब्रांचेज है ना उसमें इसी चीज़ का थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ नाम है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और वो फिजिक्स में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और केमिस्ट्री में मेरे ख्याल कहते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, या उसमें भी शायद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं। तो डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस जो है ना उसमें ये इसका मुख्तलिफ नाम है, लेकिन असल में ये 01, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हाई लो या ऑन ऑफ, ये असल में अंदर से इंटरनली एक ही चीज़ है। अच्छा तो ये आगाज़ हो गया यहाँ से पहले इंटरनेट का। अच्छा तो इंटरनेट जैसा कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था इन द फर्स्ट प्लेस। अब ह्यूमन जो है ना, हम एज अ ह्यूमन वी आर स्टोरी टेलर्स, जो दूसरे बायोलॉजिकल एनिमल्स हैं और हम जो हैं, तो हमें जो डिफरेंशिएट करता है ना, एक तो बायोलॉजिकल ग्राउंड पे भी हम डिफरेंट हैं थोड़े, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे हमें डिफरेंशिएट करता है ना, वी आर स्टोरी टेलर्स, हम एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, हमने लैंग्वेज डेवलप कर ली है, इतनी एडवांस लैंग्वेज जितनी हमने डेवलप की है ना, वो दूसरे किसी भी एनिमल में ये नहीं मिलता। तो वी आर स्टोरी टेलर्स, हम एक दूसरे को अपनी स्टोरीज़ बताते हैं और उसको राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, कन्वे करते हैं दूसरी जनरेशंस तक। और क्या कहते हैं, आप जो पुराने खंडरात मिले उसमें भी आप वो केव्स देखेंगे, वो टैबलेट्स हैं सेरामिक की बनी हुई, किश टैबलेट्स, तो वो मिलती हैं कि यार उन्होंने कुछ लिखा था वो सुमेरियन, और पता नहीं वो समझ में तो नहीं आता आजकल कि वो क्या लिखा था उन्होंने, लेकिन लोग प्रेडिक्ट करते हैं और काफ़ी हद तक उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम द बिगेनिंग वी आर स्टोरी टेलर्स। अब ये जितनी भी ये साइंसी ईजादात हुई हैं, ये सारा जो ये चक्कर है ना, ये सब स्टोरी टेलिंग का चक्कर है कि हम अपने दुख दर्द लिख देते हैं, फिर वो दूसरा उसको पढ़ता है, कहता है यार ये तो बड़ा मसला है, फिर वो कहता है यार इस मसले को हल करते हैं। तो वो क्योंकि क्यूरियोसिटी भी एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है, तो वो क्यूरियोसिटी को लेके फिर वो, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके फिर सर्वाइवर भी है, ह्यूमन इज़ अल्टीमेट सर्वाइवर, तो वो सर्वाइव करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये सारा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पूरा आप जिद्दत देख रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, ये इसका जो बेस है, इंटेलेक्चुअल का जो बेस है, वो स्टोरी टेलिंग है। तो इंसान को ना हमेशा से, शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि ये आपस में बात करें, शुरू से रही है। या जो आज से 200 साल बाद आने वाले लोग हैं ना, उनसे बात करें, इंसान को हमेशा से ये, पास्ट में जो गुजर चुके हैं लोग उनसे जाके मिले, उनसे बात करें, ये टाइम ट्रैवल वगैरह ये सब उसी का चक्कर है कि वी आर क्यूरियस टू स्टोरी टेलिंग, हम चाहते हैं हमारी स्टोरी हम पिछलों को भी बताएं, अगलों को भी बताएं। अच्छा तो ह्यूमन ने ये चाहा कि वो एक दूसरे से बात करे, तो उसने ये इंटरनेट का सेटअप लगा दिया। अब वो टेलीफोन आप कह लें उसको, ये अर्ली जो स्टेज था वो टेलीफोन था एक्चुअली, जो मैंने अब थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, दैट इज़ काइंड ऑफ टेलीफोन। उससे भी पहले वो एक होता भी था, एक्चुअल में भी आता है, टिक 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 करके ना, वो मिलिट्री में यूज़ करते थे, वो देखा है मैंने तो मूवीज़ में, आप लोगों को शायद बेटर पता होगा, तो वो करके ना टिक टिक वो एक दूसरे को मैसेज करते थे, उसके बाकायदा ऑपरेटर्स होते थे। तो ये अर्ली स्टेज ऑफ इंटरनेट आ गया, वो उसका रीज़न ये था कि ह्यूमन ने चाहे एक दूसरे से हम बात करें, फिर वो मिलिट्री यूजेस में भी लेते थे उसको। अच्छा फिर थोड़ा सा जब ये एडवांस हुआ, कंप्यूटर साइंटिस्ट जब इसको थोड़ा सा और मेच्योर कर लिया कनेक्शन को, तो कंप्यूटर डिवाइस से ना एक तार कनेक्ट कर दिया, और दो गली आगे मेरा कोई दूसरा दोस्त रहता है, उसके एक सीधी तार खींच के उसके कंप्यूटर में लगा दी। तो ये उसका नेक्स्ट स्टेज आ गया इंटरनेट का। अच्छा अब क्या होता था, क्योंकि इंटरनेट का मेन पर्पज़ था बात करना, तो वो इंटरनेट जब नया नया आया था उस ज़माने में, वो चलता था टर्मिनल के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर काली स्क्रीन पे, जो हमने गिट अभी लास्ट किया था ना, टर्मिनल पे सारे काम कर रहे थे हम, तो उस पे चलता था जब नया नया आया था। तो और LCD भी इस तरह की नहीं होती थी, वो कैलकुलेटर जैसी होती थी, जैसे कैलकुलेटर में होती है ना, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हमने देखा उसमें ABCD भी लिखा हुआ आ जाता है, तो उस तरह का कुछ होता था LCD, जो डिस्प्ले होता था
कंप्यूटर का। अच्छा, तो उस पर लिख के बात होती थी। अच्छा, क्या होता था जब इंटरनेट शुरू में आया कि हर कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसको एक उसका नंबर होता था, आईपी जिसको कहते हैं, अभी भी है वो 192.168 ऐसे करके आता है वो आईपी, तो वो आईपी होता था। मैंने अपने अगर दोस्त से बात करनी है जो दो गली आगे रहता है, मैंने एक तार खींच के उसके कंप्यूटर पे भी लगा दी है, एक अपना एक सिरा अपने कंप्यूटर में लगा दिया है, मैं खोलूँगा टर्मिनल और टर्मिनल पे मैं उसका आईपी लिखूँगा और आईपी लिख के मैं उसको मैसेज भेजूँगा लिख के। उस ज़माने में होते थे सॉफ्टवेयर, वो तो अभी हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते उस चीज़ को क्योंकि वो ख़त्म हो गया वो वाला तरीका। अच्छा, मैं लिखूँगा यहाँ से मैसेज उसके पास पहुँच जाएगा, वो लिखेगा मैसेज मेरे पास पहुँच जाएगा। अच्छा, होता कैसे, ये सारा 0-1 से हो रहा है, ऑन ऑफ से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ हो रही है उससे हो रहा है ये सारा। अच्छा, तो ये यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस इंट्रोड्यूस हो गए कंप्यूटर के अंदर। अब ये जो इंटरनेट की जो फॉर्म थी ना, जो टर्मिनल के ऊपर थी, जो लिख के सिर्फ बातचीत होती थी, अब जाहिर है ये भी अब चलेगा, अब ये ग्राफिक्स वाले कंप्यूटर में चलेगा। LCD आ गई ऐसी वाली, फिर माउस आ गया 80s में ये, या 85 में ये हो गया था कि वो माउस वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए कि यार अब पॉइंटिंग डिवाइस हुआ करेगी जिससे आप ऐसे पॉइंट करके बटन को क्लिक करेंगे जैसे रियल लाइफ में करते हैं, तो फिर वो उस तरह चलेगा कंप्यूटर, उसमें मीडिया प्लेयर्स वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस हो गए। तो उसके अंदर फिर इंटरनेट को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम ब्राउज़र कहते हैं। आज जदीद ब्राउज़र की जो फॉर्म है वो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है। उस ज़माने में जो हुआ करता था उसको बड़ा फेमस एक नेटस्केप नेविगेटर के नाम से एक ब्राउज़र हुआ करता था, तो वो बड़ा फेमस था उस वक्त, एक ही कंपनी थी वो, वन ऑफ द फर्स्ट ब्राउज़र्स था वो। तो वो उसमें ग्राफिक वाले ना क्या कहते हैं कंप्यूटर थे वो, तो अब उसमें जो इंटरनेट चलेगा तो उसमें चलता तो लिख के ही था उस वक्त भी, ग्राफिक में भी शुरू में तो वो जाहिर है एकदम तो नहीं होगा वो, लेकिन फिर साइंटिस्ट ना इन्होंने बोला कि यार हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें तो पिक्चर भी दिखा सकते हैं, इसमें तो कलर तो खैर बहुत बाद में आए थे लेकिन उसको बोल्ड वगैरह करके और थोड़ा अच्छा खूबसूरत करके टेढ़ा मेढ़ा करके टेक्स्ट सारा वो दिखा सकते हैं। अच्छा, ये तो एक तरफ ये कहानी चल रही थी, एक और तरफ क्या चल रहा था उस ज़माने के जो बिजनेसेस थे उसको भी समझना पड़ेगा। ये एक टाइमलाइन तो मैंने ये खींच दी कि कंप्यूटर में क्या हो रहा था और इंटरनेट की में क्या डेवलपमेंट हो रही थी। एक तरफ उस ज़माने के जो बिजनेसेस थे वो क्या करते थे, उनके पास अपनी मार्केटिंग के लिए जब ज़ाहिर है उनकी शॉप में कोई आता था बंदा तो उनके पास पंफलेट्स बने हुए होते थे, हैंडआउट्स होते थे, तो वो देते थे उसको कि यार ये आप ले जाएं साथ, इसमें हमारा सारा लिखा हुआ है। जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो वो अपना वो पकड़ा देता था हैंडआउट, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहा है, वॉशिंग मशीन फ्रिज बेच रहा है, तो वो उसने एक पर्चा पकड़ा दिया, उस पर वो सारी उनके फ्रिज वगैरह का नाम लिखा हुआ है, जो पैकेजेस वो देते हैं जो रेट्स हैं वो लिखे हुए हैं उसके ऊपर। अच्छा, नीचे उनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ होता था कि अगर कोई आपको फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं आप। अच्छा, वो उसका मगर प्रॉब्लम ये था कि वो एक बार आपने प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया एक कस्टमर को तो वो तो फिक्स है, वो तो चेंज थोड़ी होगा वो। अब प्राइस अगर अगले हफ्ते बढ़ गए या कम हो गए तो वो तो जो यूज़र के पास तो वही पुराना ही देख रहा है, वो उसने अपने रख दिया टेबल पे, वो देख रहा है रोज़ वही देख रहा है पुराना वाला, या तो वो फ़ोन करेगा पूछेगा, फिर उससे टाइम ज़ाया होता है कि कोई उठाएगा फ़ोन, वो फिर सवाल का जवाब देगा, फिर जो पूछेगा वही बताएगा। अच्छा, और वो क्या करते थे, बिल बोर्ड वगैरह से करते थे मार्केटिंग। अच्छा, और जो बहुत कोई बड़ी मार्केटिंग कंपेन चलानी होती थी ना तो वो लेते थे जहाज़ किराए पर लेते थे, किसानों के पास जो होता है ना जहाज़ दवा स्प्रे करने वाला, वो ले लेते थे किराए पे, वो बोरा भर के ना पंफलेट उसमें लोड करके और वो टाउन के ऊपर ना जहाँ मार्केटिंग कंपेन चलानी होती थी वो गुजरते थे और फेंकते हुए जाते थे ऊपर से, तो पूरे शहर में वो खबर फैल जाती थी और वो मास कम्युनिकेशन का एक ज़रिया था भाई, रेडियो था एक वो था, तो कंपेन उसमें बड़े पैसे लगते थे वो, सिर्फ वो बड़े बिजनेसेस करते थे। तो ये उस वक्त के बिज़नेस का जो एक नक्शा खींचा मैंने आपको कि ये कर रहे होते थे। अभी भी आपने देखा होगा कुछ बिजनेसेस जो छोटे बिजनेस हैं वो मस्जिद वगैरह में पंफलेट आज भी बट रहे होते हैं समटाइम, तो या हैंडआउट्स वगैरह का अभी भी दौर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया। अभी मेट्रो स्टोर किया था मैं रिसेंटली, तो वहाँ पे उनकी वो बुक होती है पूरी, पता नहीं वो हर महीने का एक एडिशन करते हैं वो, तो उसमें वो सारी सब्ज़ियों के पता नहीं फ्रिज टीवी के सब के रेट लिखे होते हैं, तो वो अभी भी कर रहे हैं वो लोग। और भी बहुत सारी जगहों पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो दे देते हैं कि आप मेरा हैंडआउट ले जाएं, आप क्या कहते हैं डिस्पोजेबल सा उन्होंने वो मेन्यू बनाया हुआ है, वो कहते हैं ये रख लें आप, हम ऑर्डर भी लेते हैं ऑनलाइन भी करते हैं, जो फ़ोन करके हमसे आप डिलीवरी करवाइएगा ये रख लें आप ले जाएं।
तो ये चल रहा है अभी भी, पम्फलेट ज़ाहिर है बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने से वो ज़ाहिर है लेगेसी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, थोड़ी बहुत चलती रहती है वो। तो उस वक्त फिर क्या हुआ, अब वापस हम इंटरनेट पे आ जाते हैं। इंटरनेट के ऊपर जब ग्राफिक्स आ गई ना, तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेसेस के लिए हो सकता है, क्योंकि पैसा तो बिजनेस से आता है ना। टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर जाए, जब तक बिजनेस यूज़ केस उसका नहीं निकलता, तो वो तो पैसे कहाँ से आएंगे फिर? जो पैसे तो बिजनेसमैन देता है, या तो गवर्नमेंट देगी, अगर तो गवर्नमेंट का कोई यूज़ केस, क्योंकि वो इंटरनेट मिलिट्री में यूज़ होना शुरू हो गया था उस वक्त, जब क्योंकि बातचीत वाला जो था ना, वंश राम आ जाए, जो कम्युनिकेशन की हद तक जो था ना, तो वो तो मिलिट्री में यूज़ हो रहा था, CIA वगैरह वाले उसको इंटरनली यूज़ कर रहे थे, और इनिशियली उन्हीं के लिए इस टेक्नोलॉजी को मेच्योर किया था। बट इन्होंने फिर बाद में सोचा कि यार ये तो बिज़नेस के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, कंज्यूमर मार्केट में लाने की, क्योंकि उस वक्त जो कंप्यूटर थे वो आम लोगों का तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, आम लोगों का कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। क्या करेगा एक आम बंदा कंप्यूटर का, इतना बड़ा डब्बा होता था एक तो, और फिर उसकी कन्फिग्रेशन इतनी मुश्किल होती थी। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, तो उस ज़माने में कंप्यूटर में इतनी सारी तारें लगती थी ना, कि हमें वो सीखना पड़ता था बाकायदा जाके कि यार तार इसमें लगती कहाँ, कौन सी तार लगती है। अभी आजकल तो कोई तार नहीं होती ना कंप्यूटर में, बस एक पावर लगाओ और ऑन हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंटरनेट की तार लगा देते हैं हम। उस वक्त तो पता नहीं 3-4 तारें लगती थी, वो माउस का अलग होता था पीछे तार, फिर कीबोर्ड अलग होता था, और वो पता नहीं, और प्रिंटर का इतना बड़ा सा कुछ होता था एडाप्टर, वो भी लगाते थे, पता नहीं और क्या क्या होता था। तो अजीब वाहियात किस्म के कंप्यूटर हुआ करते थे। मैंने जब होश संभाला तो मैंने वो देखा है, उससे पहले तो और पता नहीं क्या होता था, पूरे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर होते थे जब नए नए आए थे, तो काफ़ी साइज़ भी बड़ा होता था, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और आम बंदे का कोई यूज़ केस था नहीं। अभी तो लोग जो स्मार्टफोन वगैरह लैपटॉप कंप्यूटर ले लेते हैं, वो तो ये ना कि स्काइप पे किसी को कॉल करेंगे, या तो यूट्यूब देखेंगे, या कुछ फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप, कुछ कि कुछ ना कुछ यूज़ केस है कि यार हमारा वो बंदा रहता है वो वीडियो कॉल करता है व्हाट्सएप पे, तो वो तो स्मार्टफोन नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे इसमें। तो इसलिए आम लोगों का इंटरेस्ट अब बहुत ज़्यादा हो गया, वरना पहले तो नहीं होता था ऐसा कुछ भी। भाई आप में से कोई बंदा कभी 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 भी किसी ने ये सोचा है कि मैं काम करता हूँ अपने घर पे लेथ मशीन लगा लेता हूँ 1 लाख, है तो बड़े काम की चीज़ वो, और कि घर पे नट बोल्ट कोई ख़राब होगा तो घर पे ही बना लूँगा मैं, है ना। पंखे में कभी वो नट वट टूट जाता है ना पंखे का, तो हम उसको लेके जाते हैं लेथ वाले के पास वो बनवाने के लिए कि यार इसमें वो बना दो। खास तो नए पंखे आजकल तो ले जाने पड़ते हैं यार, पता नहीं कैसे अजीब पंखे बना रहे हैं वो, अंदर उसके ना वो नहीं है प्रोटेक्शन की, एक कील होती है अंदर, वो यूँ लगा के ना उसको मोड़ देते हैं ताकि स्क्रू खुल भी जाए तो गिरे ना, वो यार मैंने नया पंखा खोला उसमें वो था ही नहीं। अबे मैंने कहा क्या है यार भाई, मैं जा गया फिर उसको लेके लेथ वाले के पास, मैंने कहा भाई इसको ऐसे सुराख करो, यूँ टाइट करके ना उसमें सुराख करवाया, उसमें फिर वो पिन लगती है प्रोटेक्शन की पिन होती है कि अगर नट भी खुल जाए ना तो वो गिरे ना, तो वो मैं करवा के लाया। मगर मैंने उसके बावजूद भी ये नहीं सोचा कि यार मैं काम करता हूँ लेथ मशीन घर पे रख लेता हूँ, कभी ये सब करना पड़ा तो घर पे ही कर लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि लेथ मशीन एक्सपेंसिव है, इतनी बड़ी सारी मशीन है वो, और जिसकी फील्ड है उसका इंटरेस्ट है, तो आम बंदे का क्या इंटरेस्ट होगा, कोई नहीं होगा। तो काइंड ऑफ कंप्यूटर उस ज़माने में ना एक लेथ मशीन थी, एक क्या कहते हैं, तो आम बंदे का कोई काम नहीं था उसमें। अच्छा तो फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना ये बिज़नेस में जो पिच किया इसको आइडिया को, कि आप जो ये बनाते हैं ना हैंड आउट, इसकी जगह आप क्या करेंगे कि आप डिजिटल आपका होगा ब्राउज़र, ब्राउज़र के ऊपर ये चलेगा जो नेटस्केप नेविगेटर है। अब क्या होगा कि आपकी दुकान का एक फ़ोन नंबर होगा 19216, IP होगी एक्चुअली, वो लिखेगा कोई भी तो वो पूरा पेज दिख जाएगा उसको। अच्छा और उस पर मैसेज भी कर पाएगा वो आपको, दुकान पे अगर कोई है जवाब देने के लिए तो वो मैसेज भी कर पाएगा, जो एक्चुअल यूज़ केस था इंटरनेट का कि मैं बातचीत होगी मैसेज होगा। तो बिजनेसमैन को ना ये बड़ा पसंद आया आइडिया, पसंद आया या कुछ ना कुछ करके उनको, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह दे के कुछ मीठी चपड़ी चिकनी बातें करके ना बिजनेसमैन ने, बिजनेसमैन को पटा लिया इन्होंने। तो बिजनेसेस फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन हुए कि अच्छा यार अब हमें ना इसके अंदर क्या चाहिए, जो अपना मेरा पंफलेट जो है वो इस पर मुझे चाहिए कि मेरी दुकान का कोई लिखे वो IP एड्रेस 19216 तो ये खुल जाए। अच्छा तो ये वेबसाइट का उस ज़माने में आगाज़ हुआ। अच्छा वो वेबसाइट बनेगी कैसे, अभी वापस हम अभी बिजनेस में आए हुए हैं, अभी वापस हम थोड़ी देर में कंप्यूटर साइंस में जाएंगे टाइम लाइन पर, तो फिर हम देखेंगे कि ये वेबसाइट बनाई कैसे साइंटिस्ट ने, उसके लिए क्या घोल मट्ठा कुछ चलाया। अच्छा तो अब बिजनेस आ गए इसके ऊपर। अब बिजनेसेस का क्या हुआ कि वो IP अब याद रखना मुश्किल है, इवन अभी भी 2023 में
फ़ोन नंबर किसी का याद रखना एक मुश्किल काम है, वो हम सेव करते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी होती है हम सब लोगों के पास, या तो फ़ोन में होती है या तो बुक की शक्ल में होती है फिज़िकल, तो टेलीफोन डायरेक्टरी में हम उसको सेव करना पड़ता है, हमें याद तो नहीं रहता नंबर। तो उस ज़माने में भी ये प्रॉब्लम तो ज़ाहिर था, तो फिर क्या किया इन्होंने, बोला कि यार हम ना एक काम करते हैं, DNS नाम की एक चीज़ बना देते हैं, DNS सर्वर उसको कहते हैं फॉर्मली। उससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि अब ना आप IP नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एक नाम, जैसा कि facebook.com, ये आसान है याद रखना, google.com ये तो नस्बतन आसान है, अभी मैं आपको गूगल का वो IP एड्रेस भी दिखा। तो अब होगा क्या कि यहाँ से आप लिखेंगे google.com, वो रिक्वेस्ट यहाँ से निकलेगी, जाएगी DNS सर्वर पे पहले, ठीक है, वो पहले से कन्फिगर हुआ होता है, हमें करना नहीं पड़ता, वो कन्फिग्रेशन अंदर एक हुई भी होती है कि किस DNS पे जाएगी पहले, तो जो करीब तरीन उसको DNS दिखता है अपने नेटवर्क के ऊपर, तो वहाँ जाती है रिक्वेस्ट, वहाँ से वो तलाश करती है कि यार ये जो google.com है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सा IP एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है जिस पे मैंने जाना है, वहाँ से वो एड्रेस निकाला और वहाँ से फिर ऑनवर्ड्स उस एड्रेस को लेके वो चल रहा होता है। हमें वो एड्रेस नहीं दिखता यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, हमें हमारा कोई काम नहीं है उस एड्रेस से, हमें तो वो नाम याद है ना, डोमेन, ठीक है, तो उस नाम को हम कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है, जो उस IP एड्रेस की जगह। अच्छा, अभी भी अगर आप वो IP एड्रेस डायरेक्ट लिख देना तो चल जाता है, ठीक है, IP एड्रेस अगर आप अभी भी किसी को पता है डायरेक्ट लिख दें चल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यह मैं आपको करके दिखाऊं, मैं गया टर्मिनल में, अब टर्मिनल में जाके ना मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूट्यूब का IP एड्रेस होगा कोई ना कोई, मैंने लिखा ping youtube.com, एंटर। तो ये देखें, ये क्योंकि टर्मिनल है ना, ये डेवलपर्स के लिए बनाया गया, तो इसमें ये youtube.com के आगे ब्रैकेट में इसने दिखा दिया कि इसकी IP इसको क्या मिली है DNS पे जब ये गया ना। अच्छा, ये पलक झपकते में हुआ एकदम फ़ौरन, हमें नहीं पता चलेगा, ये लाइट स्पीड से हो रहा है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ है ना, पता नहीं 25-30-50 MB का कितने का इंटरनेट है हमारे पास जो भी। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इस IP को मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी और इसको टर्मिनल को कर दिया मैंने बंद। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आके मैंने ये लिखा और एंटर किया, गूगल पे आ गया ये, वैसे एक दफ़ा और ट्राई करते हैं, फेसबुक का करते हैं, चलो पिंग लिखा मैंने, पिंग facebook.com। अब ये देखो एक डिफरेंट IP एड्रेस यहाँ पर आ गया हमारे पास, अब ये वाला IP एड्रेस लिखते हैं, फेसबुक खुल गया, सही है, और कोई GitHub का लिखते हैं, इसको रोका मैंने, ping github.com, GitHub का ये आ गया IP एड्रेस आ गया हमारे पास, ये मैं जाके यहाँ लिखूँगा तो ये मुझे GitHub पे ले जाएगा, ठीक है जी। ये कोई क्या टर्न ऑन इन्हांस प्रोटेक्शन, क्या ये लो टर्न ऑन हो गया, अब ये गूगल क्रोम का सेफ्टी फीचर है, वो कह रहा है इतने लेगेसी तरीके से कोई कर रहा है तो पता नहीं क्या है, वो तो वो पूछ रहा था कि भाई आर यू श्योर, तो मगर ये खुल रहा है, पॉइंट ये कि ये चल रहा है। IP एड्रेस अगर अभी भी आपको पता है किसी को किसी वेबसाइट का, तो डोमेन नेम तो DNS वो बाद में फीचर ऐड किया गया था, पहले तो सब लोग IP याद करते थे एक दूसरे का, कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा दोस्त दो गली आगे रहता है, वहाँ से मैंने एक तार खींची है, तो उसका IP एड्रेस मैं याद रखूँगा या पर्ची पे लिख के लाऊँगा उसके पास से, और मेरा IP एड्रेस उसको याद होगा वो पिंग। अच्छा, ये पिंग की जो मैंने कमांड चलाई है, इस कमांड का मतलब क्या होता है, कि पिंग का मतलब होता है कि ये जो सर्वर है ना, मैंने कहा पिंग और उसकी IP एड्रेस लिखी मैंने अपने दोस्त की और एंटर किया, तो ये जो जवाब आ रहा है ना वहाँ से, इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर ऑन है या नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे मैं करूँगा ना कि ping google.com, तो ये मुझे बताएगा कि कितनी जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा और कितनी देर में आ रहा है, ये रहा टाइम, 24 मिलीसेकंड में जवाब आ जाता है गूगल से, अगर मैं गूगल को पिंग रिक्वेस्ट भेजूँ तो, ठीक है। तो ये क्योंकि उस ज़माने में टर्मिनल पर इंटरनेट चलता था, तो ये उस ज़माने में कमांड इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ये आज भी मौजूद है ये कमांड, आज इसका पर्पस कुछ और है, आज हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं हम चेक करने के लिए कि इंटरनेट क्या चल रहा है कि बंद हो गया, अगर तो GUI होगी तो उस पर तो speedtest.net खोल लेंगे, लेकिन टर्मिनल पे ये तरीका मौजूद है, तो इससे हम चलाते हैं चेक करते हैं कि अच्छा हाँ यार ये रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब है कि इंटरनेट एक्टिव है, कनेक्टेड है,
कम्युनिकेशन हो रही है google.com से, या किसी पे भी पिंग करके चेक कर लूँगा मैं कि facebook.com तक मेरा क्या इंटरनेट जा पा रहा है। अच्छा, तो हमने इससे क्या सीखा कि हमारे पास जो इंटरनेट मौजूद है वो असल में कुछ भी नहीं है, दो कंप्यूटर जुड़े हुए तो वो इंटरनेट बन गया। अच्छा, अब क्या इस दो में तीसरा भी जोड़ सकते हैं? हाँ, जब तीसरा जुड़ेगा तो उसको एक आईपी एड्रेस उसको भी मिल जाएगा। तो ये जो वेब जो वर्ड लिखा हुआ है, इंटरनेट जो वर्ड लिखा हुआ है, तो इंटरनेट का मतलब ये है कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ये तमाम कंप्यूटर जो यहाँ पे रखे हुए हैं ना, ये आपस में भी कनेक्टेड हैं और ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। इंटरनेट की तार बाहर से आई हुई है ना, ये बाहर से तार, ये इंटरनेट कोई किसी ने बनाया थोड़ी है, ये तो जो बाहर से तार आई हुई है ना, ये तार यहाँ से अमेरिका तक और कनाडा तक गई हुई है किसी ना किसी तरीके से। सबमरीन, ये तार आगे जाएगी, फिर ऑफिस में होगा, फिर वहाँ पे वो बड़ी तार जा रही होगी आगे से, फिर वो अल्टीमेटली सबमरीन में जाएगी और वो फिर पूरा एक चार्ट है। तो ये जिस तार से हम कनेक्ट हैं, ये स्पेशल तार इस तार के पैसे ले रहा है भाई हमसे, वो इंटरनेट की केबल वाला, वो इसलिए ले रहा है कि ये एक स्पेशल तार है, इसका कनेक्शन अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पूरी दुनिया में सब जगह फैला हुआ है। अगर आप जाके लिखेंगे गूगल क्रोम पे ना, ये सबमरीन केबल मैप, तो ये पूरी दुनिया में ये केबल इस तरह फैली हुई है, ये सबमरीन, ये समुद्रों के अंदर से केबल चल रही है। और फिर ऑन द ग्राउंड जो उसका भी अलग मैप है कि ऑन द ग्राउंड जो बड़ी केबलें हैं वो कैसे चल रही है। इसमें से हर केबल का एक नाम है, कभी कभी शार्क इसको खा जाती है तो न्यूज़ पे आता है कि सबमरीन की केबल खा गई है शार्क वरना ये मैप आज मैंने आपको दिखा दिया। तो इसमें हम कहाँ हैं वैसे, बाई द वे हम इसमें कहाँ हैं? यहाँ पे कहीं हैं हम, इस जगह पे, ये खड़े हुए हैं हम यहाँ पे। हमारा मुल्क जितना बड़ा, ये मेरा कर्सर है, इतना बड़ा आ रहा है पूरा हमारा मुल्क, तो इतनी बड़ी दुनिया है आप इमेजिन करें। यहाँ से अगर हमें इस कोने से उस कोने जाना पड़ जाए पिशावर वगैरह, तो 2-3 दिन लग जाता है ट्रेन पर, जहाज़ पर भी जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया में ना ये पूरी तार फैली हुई है, और ये जो तार ये बाहर से आई हुई है ना, ये स्पेशल तार इसलिए है, इसके इसीलिए हम पैसे ले रहे हैं हमसे ये इस तार के। हाँ है, क्यों नहीं इंटरनेट? ये केब देखें, हर कंट्री में ना ये कनेक्शन आया हुआ होता है। एक मिनट, ओपन इन न्यू टैब, बड़ी खोल लेना इमेज, ये वाली जो कंट्रीज हैं, ये वाला रशिया नहीं, ये तो ये पानी का मैप है सर, ये ज़मीन वाला नहीं है। वहाँ पे वो ग्राउंड किया हुआ है, ऑन अंडरग्राउंड करके या कुछ ना कुछ करके गया हुआ है। अब हर कंट्री में ना हमारे पास, देखें आप यहाँ अगर गौर करें तो ये तो वैसे बहुत ब्लर दिख रही है इमेज, बट यहाँ पे एक कनेक्शन हमारे पास कराची में उतरा हुआ है सबमरीन केबल का, एक गवादर में उतरा हुआ है, और एक और कनेक्शन है, 3-4 हमारे पास कनेक्शन है जो इस साहिली पट्टी में इस कोने से उस कोने तक वो एंटर हो रहा है। मगर वो कराची से एंटर होके ना, ये देखें पूरे लाहौर, पंजाब और पूरे कश्मीर तक कोई दूसरा कनेक्शन यहाँ नहीं दिख रहा, बट यहाँ से केबल यहाँ से कश्मीर तक गई भी है ना, अंडरग्राउंड है या कुछ ना कुछ करके, या वो जैसे ग्रिड, पावर ग्रिड जा रहा है हमारा, तो वो केबल पूरी पाकिस्तान में ये फैली हुई है। और डिफरेंट कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट एंटरप्राइज इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, सबमरीन केबल में जो सबसे बड़ा नाम है वो नोकिया है इस वक्त, ठीक है, नोकिया ने सबसे बड़ी, वो क्योंकि फ़ोन की तो कंपनी डूब गई बेचारों की, तो उन्होंने सारा पैसा निकाल के ना सबमरीन की केबल में लगा दिया, तो सबसे एडवांस केबल और सबसे बड़ी केबल जो है ना वो इस वक्त नोकिया ने डाली हुई है। और भी बहुत सारे हैं, पता नहीं इसमें हज़ारों कंपनीज़ हैं। आप ये वाला अगर देखें ना दूसरा, तो उसमें वो डिफरेंट केबल के नाम भी लिखे हुए हैं, और हर केबल का आप अगर लिखिए ना नाम लिख के सर्च करें तो आपको ये भी पता चल जाता है कि वो केबल किसकी है और वो कहाँ कहाँ से होके जा रही है, ठीक है। ये ना देखें, सी कॉम और ये लायन टू और ये टीम ऐसे, पता नहीं इस तरह करके इनके नाम है वैसे। वेल, तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि ये इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, और इसमें कनेक्टेड हर कंप्यूटर की एक आईपी एड्रेस है, हर कंप्यूटर का एक अदद आईपी एड्रेस है। अच्छा, वेब जो भी कहते हैं ना, वेब भी इसी वजह से कहते हैं इसको। वेब असल में अंग्रेजी में वेब किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, मकड़ी का जो जाल होता है उसको वेब कहते हैं, या कोई भी जाल हो, मछली पकड़ने वाला जाल, उसको भी वेब कहते हैं। तो वेब में असल में क्या होता है जाल में, कि एक तार दूसरी तार से इंटरकनेक्टेड होके जा रही होती है, हर तार कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, होपफुली वो आ जाएगी।
तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर ना समथिंग लाइक दिस, आप देख रहे हैं ये लैपटॉप मिसाल के तौर पे मेरा कंप्यूटर है, बट मैं जो कनेक्शन से जुड़ा हुआ हूँ ना वो किसी दूसरे लैपटॉप से कहीं ना कहीं वो एक पाथ मौजूद है। मेरा लैपटॉप इस वक्त क्योंकि मैं इस वाईफाई के नेटवर्क से हूँ, अच्छा वो अब वायरलेस और वाईफाई एक ही बात है, क्या कहते हैं मतलब जैसे ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर सारे पड़े हुए हैं ये तो तार से कनेक्ट है, बट मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ, बट मैं सेम राउटर से कनेक्ट हूँ तो मैं सेम नेटवर्क पर हूँ, जब भी ये वायरलेस प्रोजेक्टर चल पा रहा है क्योंकि मैं सेम नेटवर्क पर हूँ, ये सेम नेटवर्क पे काम करता है, तो वो इट डजेंट मैटर कि वो वायरलेस है। अच्छा बाय द वे वायरलेस इंटरनेट ना तारों से चलता है, वायरलेस वायरलेस कोई चीज़ है नहीं, वायरलेस कोई चीज़ इसलिए नहीं है कि वो वायरलेस ना 2-4 किलोमीटर से ज़्यादा काम नहीं करता, कोई सा भी नहीं करता। मिसाल के तौर पे जैसे ये मेरे पास जो इंटरनेट का कनेक्शन या इस बिल्डिंग में लगा हुआ है ये तार वाला कनेक्शन है, वाईफाई जो ये लगा हुआ है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा इस कमरे में चलेगा, 2 कमरे आगे चल जाएगा बस, गेट से बाहर तो काम भी नहीं करेगा, ये सिग्नल तो इतने नहीं आते इसके। इसी तरह मोबाइल है वायरलेस 4G 4G जो हम चलाते हैं तो वो तो टावर तो उसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। हाँ मगर वो होता भी बहुत स्लो है ना, फिर बहुत स्लो होता है वो उससे वेल वो तो अभी आगे की टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन जो कंज्यूमर लेवल का इंटरनेट है ना वो तारों से चल रहा है, वो वायरलेस वायरलेस उसमें कुछ भी नहीं है, वायरलेस थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा चलता है वाईफाई है या जो टावर है सेलफोन का वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। जो मेनली पूरी दुनिया में इंटरनेट जो फैला हुआ है ना और हाई स्पीड इंटरनेट जो है यानी GBPS में जो हम इंटरनेट चला रहे हैं, आज से 5-6 साल पहले मैंने पता नहीं गूगल किया था तो वो कराची का जो लोड था उस वक्त वो 600 GBPS था, कराची में एक ही लाइन हुआ करती थी उस ज़माने में तो 600 GBPS का लोड था ये, और हमें इंटरनेट उस वक्त मिलता था KBs में, 128 KB का कनेक्शन होता था वो पता नहीं वी वायरलेस में, तो वो कलेक्टिवली हम सब लोगों का 600 GBPS का मतलब कंजम्पशन था, अभी जो टेराबाइट्स में होगा टेराबाइट्स पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 600 GB अपलोड या डाउनलोड होता था, तो कलेक्टिवली वो फिर वो KBs में बन जाता था। तो इंटरनेट मेनली जो हाई स्पीड इंटरनेट है ना इस वक्त वो तारों से चल रहा है, वो वायरलेस नहीं चल रहा है, वायरलेस हम उसको बना लेते हैं वक्ती तौर पे, और आप देखें फिर उससे नतीजा ये होता है कि जहाँ पे टावर नहीं होता ना वहाँ सिग्नल नहीं आते, फिर वायरलेस 4G फाइबर है। हाँ जो ये रेवोल्यूशन था बहुत बड़ा वो जिसने फाइबर बनाया था उसको भी इन्होंने नोबेल प्राइज़ दिया था, उस बंदे को जिसने फाइबर ऑप्टिक केबल बनाई थी ना उसको इन्होंने प्राइज, क्योंकि उससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, उससे एक तो स्पीड बढ़ गई और दूसरा वो उसका लाइफ बहुत लंबी है फाइबर वाली केबल की, क्योंकि वो शीशा है ना उसको बारिश से कुछ नहीं होता, उसको पानी से कुछ नहीं होता और हीट से भी कुछ नहीं होता उसको, तो बहुत वो कड़क माल है क्या कहते हैं फाइबर। तो जितना भी सबमरीन इस वक्त बिछा हुआ है ना, जो उस फाइबर ऑप्टिक बनने के बाद जितना भी सबमरीन बिछाया है उन्होंने वो सारा फाइबर केबल है, ठीक है, फाइबर केबल की स्पीड बहुत फास्ट है उस, क्योंकि लाइट है वो, तो लाइट की जो स्पीड है वो इंटरनेट की स्पीड है, वरना बिजली में क्या होता है कि वो कॉपर फिर अच्छा वाला होगा तो वो सिग्नल आएगा, फिर वो मेटल कौन सा लगा हुआ है ना तो वो फिर वो गोल्ड की तार बनानी पड़ जाएगी अगर मेटल में करेंगे तो फिर वो जाके हाँ नहीं वो तो शार्क में इन्होंने मिस्टेक की थी एक, वो भुगत रहे हैं आज तक ये, वो इन्होंने असल में चक्कर क्या किया था कि केबल तो वो तो होती तो बारीक सी है केबल, लेकिन वो असल में इतनी मोटी होती है देखने में, उसके ऊपर वो जो कोटिंग है ना प्लास्टिक की, वो कोटिंग में इन्होंने कोई गड़बड़ कर दी थी, वो गड़बड़ की थी कि वो कोई ख़ास किस्म का प्लास्टिक, क्योंकि आपको पता है ज़मीन से निकलता है, दरख्तों से एक्सट्रैक्ट होता है प्लास्टिक, दरख्त से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दरख्त का गोंद होता है उसको प्रोसेस करके बनाते हैं, तो जाहिर है वो ऑर्गेनिक चीज़ है, तो वो कोई पता नहीं कौन सा प्लास्टिक उन्होंने रबर उस पर लगा दिया, तो वो शार्क को खाने में मज़ा आता था तो वो खा जाती थी। अभी इवन आप देखें ये जो अब नई वाली तारें बनती है ना, ये जो मैकबुक वगैरह और जो जदीद कंप्यूटर हैं इसकी तारों को चूहा नहीं खाता, अगर आप गौर करें पहले तो खा जाता था चूहा, अब क्यों नहीं खाता भाई, तो इसमें वो ऊपर की जो कोटिंग है ना टॉप कोटिंग वो कोई बहुत बदजायका करते हैं जो चूहों को पसंद नहीं आता, रेपेलेंट है वो इसलिए नहीं खाता चूहा। हाँ पहले आप नोट करें वो पहले पेपर जो होते थे कागज़ वागज़ वो चूहा पूरा खा जाता था पेपर, अब तो नहीं खाता, अब ना जो नए वाले जो पेपर अब आ रहे हैं जो वो उसको चूहा नहीं खाता, आप नोट कीजिएगा, वो थोड़ा सा खाएगा उसको मज़ा नहीं आता फिर वो चला जाता है। हाँ चखता तो है ज़ाहिर है, चखेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा तो क्या कहते हैं वो उन्होंने गलती की थी एक, और पता नहीं कितनी लंबी तार बिछा दी है वो उसको, वो बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है उसमें, उसमें बीच में उन्होंने कहा था कि इस पर हम कलर करेंगे कोटिंग पता नहीं किस चीज़ का, तो उससे वो फिर नहीं खाएगी। खैर तो वो तो टेक्नोलॉजी अब खैर आउट ऑफ डेट हो गई, अब तो फाइबर वाला वो नए बिछा रहे हैं सारे। अच्छा तो ये हमने क्या देखा कि वेब जो कहते हैं वो भी इसीलिए कहते हैं, या इंटरनेट जो कहते हैं वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है। अच्छा इसमें मौजूद हर कंप्यूटर का एक एड्रेस है, IP एड्रेस,
ठीक है। अच्छा ये पीछे की कहानी है, ये सब पहले से कन्फिगर हुआ है, ये सब हमें कुछ नहीं करना, ये सब हुआ है, जस्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आपको चीज़ें फिगर आउट करने में आसानी हो, आपका एक कॉन्टेक्स्ट बना हो ना, एक अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा यार ऐसे होता है। अच्छा अब क्या होता है कि इसमें से हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस है, उसको मैं आईपी एड्रेस पर पिंग करता हूँ तो वो जवाब देता है मुझे। अच्छा कुछ कंप्यूटर जवाब नहीं भी देते, कुछ देते हैं। जो कंप्यूटर जवाब देते हैं ना उसको हम कहते हैं सर्वर। मेरा कंप्यूटर जवाब नहीं देगा, मेरे कंप्यूटर की भी एक आईपी मिली हुई है उसको, लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे ये जवाब नहीं देगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ सर्वर कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर है जो कंज्यूमर के लिए बनाया गया है स्पेशली, तो इसमें वो ब्लॉक की हुई चीज़ें सारी। अच्छा तो जो कंप्यूटर जवाब देता है ना उसको हम कहते हैं सर्वर। तो facebook.com का जो कंप्यूटर है वो भी इसी जाल का एक पार्ट है। उन्होंने बड़ा सारा कंप्यूटर लेके ना कोई, और उसको एक जगह पे उन्होंने डेटा सेंटर बनाया हुआ है। डेटा सेंटर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इनका फेसबुक डेटा सेंटर, तो ये आप देख रहे हैं इतनी बड़ी सी बिल्डिंग में लेके ना इन्होंने, ये इतने बड़े एरिए पे इसने ये पूरा बनाया हुआ है। इसमें सारा है, बहुत सारी हार्ड ड्राइव, बहुत सारे कंप्यूटर को ना कलेक्टिवली अंदर से दिखने में कुछ इस तरह का है। ये अलमारी में ना रैक लगे हुए हैं, एक एक रैक एक एक कंप्यूटर है, वो इन्होंने स्पेशली अपने लिए ऑर्डर करके बनवाए होते हैं, तो वो पूरा ये डब्बे वब्बे की उनको ज़रूरत नहीं होती, निकालने में आसानी होती है, डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो ये बनवाते हैं अपने लिए। तो फेसबुक है, गूगल है, उन सब में ना आपको इस तरह के रैक वाले कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलमारी लगी हुई है ऊपर से नीचे तक 20 रैक हैं, 20 कंप्यूटर हैं वो, और वो तारों से आपस में उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी की है और जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब जो फेसबुक जो है उनका जो कंप्यूटर है वो भी इसी जाल का पार्ट है, उसको भी एक आईपी असाइन है जो हमें अभी देखी भी हमने। वो कंप्यूटर जो है वो सर्वर टाइप का कंप्यूटर है। अच्छा सर्वर जैसा कि नाम से जाहिर है, सर्व करने वाला है ना, जैसे हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वो खाना रखते हुए पूछता है कि यार सर इसको मैं सर्व कर दूं, तो अगर हम कहते हैं हाँ तो वो क्या कहते हैं, वो मटका से या हांडी से जो भी कढ़ाई से वो निकाल के ना प्लेट में डाल के आपको दे देता है। तो सर्वर, सर्वर का मतलब है सर्व करने वाला। जैसे अभी हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो वो गेस्ट होता है, हम होस्ट होते हैं। अच्छा वो हमसे कहता है कि यार पानी चाहिए, रिक्वेस्ट करता है, हम उसको जवाब देते हैं, हम उसको पानी ला के दे देते हैं। तो हम कौन हुए, हम सर्वर हुए, हम उसको सर्व कर रहे हैं, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। तो जो कंप्यूटर जवाब देने वाला कंप्यूटर है ना वो सर्वर होता है, और जो पर्सनल होते हैं वो जवाब नहीं देते, सही है। ये कंज्यूमर लेवल के, मतलब आईपी एड्रेस पर ही जवाब नहीं देते, खैर कम्युनिकेट तो ये करते हैं उससे इंटरनली, तो ये कंज्यूमर लेवल के कंप्यूटर हैं, इनमें वो चीज़ें बंद की हुई हैं कि कोई डायरेक्ट इसको आईपी से एक्सेस कर सके, ठीक है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज। अच्छा तो ये हमें समझ आ गया, किसी भी कंप्यूटर को हम सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करो ना तो वो कंप्यूटर सर्वर बन जाता है। ये हम इंशाल्लाह करेंगे इस क्लास में, हम सर्वर बना के और आपस में कम्युनिकेट करके इस क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह, सही है। अच्छा अब फेसबुक का जो डेटा सेंटर है ना उसके लिए एक वर्ड ये भी यूज़ किया था कि क्लाउड है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो फेसबुक का जो सर्वर है या गूगल का जो सर्वर है वो क्लाउड में है, तो क्लाउड का क्या मतलब है, क्लाउड एक महावर्तन कहते हैं, ठीक है। जो तो क्लाउड का मतलब ये नहीं कि वो कहीं बादलों में है, ज़मीन पे ही वो, और है वो भी तारों से कनेक्ट है, लेकिन वो क्लाउड का मतलब वो महावर्तन कहते हैं कि एक आम आदमी के लिए उसने गूगल ड्राइव पे कोई चीज़ अपलोड कर दी तो उसको तो दिख तो नहीं रहा कि मेरे पास तो नहीं है कहीं फाइल, वो ना मेरे पास कहीं USB पे, मैंने कंप्यूटर भी स्विच ऑफ कर दिया बट वो है वहाँ पे, फिर मैं किसी दूसरी डिवाइस से उसको करता हूँ तो वो मिलता है मुझे, या फेसबुक पे कोई चीज़ मैं अपलोड करता हूँ तो वो सब लोगों के पास पहुँच जाती है, बीच में तो कुछ नहीं, ऐसा लगता है हवा से पहुँच गई है। तो वो टर्मिनोलॉजी उन्होंने डिवाइस कर दी आम लोगों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वो क्लाउड एक महावर्तन कहते हैं, उससे बादल से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, वो तारों से कनेक्ट है इंटरनेट असल में। अच्छा तो ये हमने सारी चीज़ समझ ली, अब हम इस पे आ जाते हैं कि HTML क्या चीज़ है। जो ग्राफिकल कंप्यूटर जो बना था उसके ऊपर उसी पंफलेट को मिमिक करने के लिए HTML की एक लैंग्वेज तैयार की गई, जैसा कि आप लोगों ने पहले जिक्र किया कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा तो अच्छा नाम में सारी कहानी छुपी हुई है, नाम पे गौर करेंगे तो सब खुल के सामने आ जाएगा कि मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कोई ज़रा आप में से मुझे बताया कि मार्कअप लैंग्वेज, बल्कि लैंग्वेज भी हटा देते हैं, सिर्फ मार्कअप, व्हाट डज इट मीन बाय मार्कअप, अंग्रेजी में मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का, कोई ओपिनियन आपका, ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है इसमें, कोई सही गलत नहीं है, जो भी आपको लगता है कि यार वो बता सकते हैं आप, और गूगल करके भी बता सकते हैं आपके अगर पास,
मार्कअप जो है वो आप कह रहे हैं कि बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो उसको मार्कअप कहते हैं, बिल्कुल सही बताया, अंग्रेजी में ये मतलब है उसका। और कोई आप में से बताना चाहे, मार्कअप जो है वो अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं? टारगेट अचीव करने के लिए कुछ हम मार्कर सेट करते हैं, उस हम उस मार्क तक हमें जाना होता है, बिल्कुल मार्कर, मार्कअप, सही कहा आपने, ये भी सही एक डेफिनेशन है, लेकिन वो हमारी वाली डेफिनेशन थोड़ी फ़र्क है, क्योंकि एक ही वर्ड के आपको पता है कई मतलब हो सकते हैं किसी ज़ुबान में, तो मार्कअप के कई सारे मतलब हैं, तो हमारा वाला मतलब जो हमारे केस में बनता है ना वो अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया। तो कोई आपको से बताना चाहेगा, सर आप जो लास्ट में बैठे हैं, अच्छा किसी चीज़ पे आप कोई निशान लगा दें क्रॉस का या टिक का, तो दोस्त ने कहा कि उसको भी हम मार्कअप कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने जी। और कोई ओपिनियन जी, सर आप कुछ बताना चाहेंगे? स्पेशली मेकअप लैंग्वेज, मेकअप मेकअप वो जो हाँ नहीं लैंग्वेज तो है, मगर मार्कअप का क्या मैं? आप गूगल भी कर सकते हैं भाई देवे, जो मैं सवाल कर रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपको कि पता होता तो फिर आता क्यों यहाँ पे बंदा यार। इन्हांस शक्ल किसी चीज़ की होगी तो उसको हम मार्कअप कहते हैं। अच्छा जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं अंग्रेजी में, तो ये सारे मीनिंग सही हैं वैसे तो, लेकिन हमारा वाला जो मीनिंग है ना वो मार्कअप है, वो जो मार्कर होता है हमारे पास, मार्कर हम कहते हैं ना कि मार्कर से किसी चीज़ को हम मार्किंग कर देते हैं, तो ये उस वाले मार्कअप की बात होगी, हाईलाइट। अच्छा तो मैं मार्कअप आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। मैं मिसाल के तौर पे कोई बुक पढ़ रहा हूँ, अच्छा वो बुक पढ़ते पढ़ते मैंने क्या किया कि कोई मुझे मुश्किल लगा वर्ड तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया कि यार ये मुश्किल वर्ड है, ये मेरे समझ नहीं आया, ये मैं बाद में डिक्शनरी में देखूँगा, तो वो मार्कअप है, मार्कर से मैंने उसके नीचे निशान लगा दिया, ठीक है ना, मार्कर को वो बोलते ही इसीलिए कि निशान लगाने का काम है। अच्छा या किसी चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया, क्या कहते हैं, या किसी लाइन को मैंने काट दिया, क्रॉस कर दिया, कोई भी इस तरह की मैंने उसमें चीज़ की, किसी बंदे का मुंह बना हुआ था उस पर मूछें बना दी तो वो भी मार्कअप है सारा, तो ये सारा मार्कअप है। अच्छा या एक और मिसाल से समझाता हूँ कि जर्नल जैसे हम बनाते हैं मैट्रिक वगैरह में बच्चों से बनवाए जाते हैं जर्नल, तो आप लोगों ने भी कभी बनाए होंगे जर्नल कभी ना कभी, अभी भी हो सकता है बनाते हो ड्यूटी के दौरान। अच्छा तो वो जर्नल में क्या होता है कि हम कभी हेडिंग लगा देते हैं ब्लू कलर के मार्कर से बड़ा सा करके, है ना, उसके नीचे ऐसे लाइन लगा देते हैं, अच्छा ये हेडिंग हो गई, फिर उसके नीचे पैराग्राफ लिखते हैं ब्लू कलर से, फिर हेडिंग जो है वो ब्लैक कलर से होती है उसमें, समटाइम कोई भी कलर उसमें डालते हैं जिससे वो अच्छा सा लगे, समटाइम उस पर बुलेट पॉइंट्स बना देते हैं कि भाई मार्कर से गोल गोल बुलेट पॉइंट बना के उसके आगे फिर लिख रहे होते हैं, या समटाइम टेबल की शक्ल का एक बना देते हैं वर्ड मीनिंग वगैरह लिखने के लिए, आमतौर पर वो टेबल की शक्ल बना देते हैं कि एक वर्ड होता है उसके सामने एक मीनिंग होता है, या कुछ चार्ट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है हमें समटाइम। तो ये सारा जो प्रोसेस है जो जर्नल में हम जो कुछ भी लिख रहे होते हैं वो सारी चीज़ मार्कअप कहलाती है, सही है, और मार्कर मौजूद है हमारे पास, मार्कर से हम मार्कअप लगाते जाते हैं और वो हमारा जर्नल पूरा तैयार हो जाता है। अच्छा इसी की जो डिजिटल फॉर्म है मार्कअप की, वो उसकी एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस पर आप एप्लीकेशन वगैरह ये लिखते हैं, तो उसमें MS वर्ड में भी असल में हम क्या कर रहे होते हैं, मार्कअप लगा रहे होते हैं कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट को हम सिलेक्शन करके हैं उसकी, और सिलेक्शन करके हम कहते हैं इसको हेडिंग बना दो, बड़ा कर दो इसको, या किसी को सेलेक्ट करके मैं कहता हूँ कि इसका फॉन्ट का स्टाइल फला स्टाइल कर दो, एरियल कर दो, या कुछ जो भी उसमें होता है, या किसी चीज़ को सेलेक्ट करके मैं कहता हूँ इसको अंडरलाइन कर दो, बोल्ड कर दो, या इसका कलर चेंज कर दो, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ये भी मार्कअप है, ठीक है, ये इसकी डिजिटल फॉर्म आ गई, ठीक है। अच्छा MS वर्ड में मार्कअप के अलावा भी बहुत कुछ होता है प्रिंटिंग वगैरह से मुतालिक, उसमें वो एक पूरा सॉफ्टवेयर है, तो जस्ट मार्कअप की हद तक उसकी एग्जाम्पल रखें, आगे उसमें और भी बहुत कुछ होता है वो हम रेलिवेंट नहीं हमारे लिए। अच्छा अब यही वाला काम ना क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, एक गौर से अगर आप सोचें तो जो बिज़नेस ने जो पम्फलेट बनाया हुआ है, जो बांट रहे हैं वो पम्फलेट, तो उसमें भी तो सारा मार्कअप है, उसमें क्या कहते हैं हेडिंग लगी हुई होगी कोई ना कोई, एक अंडरलाइन होगा, बोल्ड होगा, कुछ बुलेट पॉइंट्स होंगे, कुछ एक दो फ़ोटोज़ होंगी मे बी, और टेबल होगा उसमें शायद कोई पैकेज, अगर पैकेज बताया हुआ है कोई इंटरनेट वाला अगर अपना पम्फलेट बांट रहा है उसमें पैकेज होगा कि यार इतने पैसों में इतना ये, इतने GB, इतने पैसों में इतनी GB, समथिंग लाइक दैट, है ना, कोई अगर कोई स्टोर है फ्रिज वगैरह बेच रहा है तो उसमें भी मे बी समटाइम एक चार्ट बना हुआ हो सकता है, एक टेबल बनी हुई हो सकती है, फ़ोटो हो सकती है, एक लिस्ट हो सकती है ना, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मार्कअप हैं सर। तो
अच्छा एक और आपके लिए कॉन्टेक्स्ट के लिए बात बताऊं कि पहले ज़माने में जो प्रिंटिंग प्रेस जब नए नए आए थे तो उस वक्त जो पंफलेट जो छपते थे वो भी हाथ से लिखे हुए होते थे असल में, वो ये डिजिटली थोड़ी होते थे। आजकल तो हम जो अखबार पढ़ते हैं तो उसमें तो वो डिजिटल लिखाई होती है, हाथ की लिखी भी नहीं होती वो, लेकिन पहले ज़माने में वो हाथ से लिखे जाते थे। इवन अगर आप कोई पुराने इसमें पंफलेट वगैरह देखें, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, क्या लिखूंगा मैं, पंफलेट की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, सही कर दिया इसमें। नहीं यार वो चीज़ नहीं आई जो मैं ढूंढ रहा था। अब ये वाला आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना अगर, तो ये पूरा हाथ से लिखा हुआ है। या मैं और भी आपको कोई बेहतर एग्जांपल इसकी दिखाऊँ ना। हाँ ये आ गई परफेक्ट एग्जांपल, ये अब मैंने सही लिखा है, ये देख रहे हैं आप, ये जो ना ये हाथ से लिखा हुआ है, और ये जो फोटो भी बनी हुई है सारी ये हाथ की बनी हुई है, ये हाथ से बना के ना। हाँ, हाथ से लिखी होती थी वो तो, वो यानी जस्ट आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो जो मैं कह रहा हूँ ना मार्कअप से उसको मैं वो तशबीह दे रहा हूँ कि पम्फलेट को, तो वो असल में क्या होता था जब शुरू शुरू आए थे प्रिंटिंग प्रेस, तो उसमें एक प्लेट बनती थी असल में। तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, एक रबर स्टैम्प जैसे हम यूज़ करते हैं ना कि उसको छापते ही हूँ, तो काइंड ऑफ वही चीज़ होती है वो। तो उसमें वो प्लेट के ऊपर वो हाथ से कुंदा करके ना हैंड राइटिंग से वो एक बार बना लेते हैं। अच्छा फिर अगर इस पम्फलेट की मैं बात करूँ तो उसकी बनेंगी 4 या 5 प्लेटें, हर कलर के लिए एक अलग प्लेट बनेगी। अच्छा एक प्लेट बनेगी उसमें सिर्फ वो चीज़ होगी जो रेड से लिखी हुई है, यानी कि ये जस्ट वेटिकन टिकट फॉर फन ये जो लिखा हुआ है जस्ट वो होगा, और रेड से कोई और चीज़ है तो वो होगी। अब पेपर को उस पर लगा के ना यूँ छापेंगे एक बार, अब वो 2,000 3,000 जितने छापने हैं वो छप जाएगा सारा। फिर दूसरी एक प्लेट होगी जिसपे होगा ब्लू, ब्लू से जो जो है। अच्छा पहली प्लेट से छपने के बाद तो पेपर कुछ अजीब सा ही दिखेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, तो दूसरा छपेगा तो वो ब्लू का आ जाएगा, ब्लू वाले में सर नहीं होगा बंदे का, सिर्फ कोट होगा इसका, वो छप जाएगा। फिर 3 4 प्लेट से छपने के बाद ना गुजरने के बाद तो वो ऐसी ही शक्ल अख्तियार कर जाएगा, तो वो हाथ से ही होता था असल में। इवन दो कि अभी हमारा जो आज वाला अखबार है वो भी इसी तरह छपता है, वो 3 कलर होते हैं उसके अंदर, तो वो एक ही मशीन में ना रोलर में वो 3 लगे होते हैं। अब तो वो प्लेट भी हाथ से नहीं बनती, वो लेज़र की मशीनें होती हैं उससे वो बन जाती हैं। अब तो वो एक प्लेट बनाते हैं उसको यूज़ करते हैं फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो 1,000 2,000 5,000 रुपये वो ठंडी हो जाती है, प्लेट ख़त्म हो जाती है वो। तो वो उसमें क्या होता है कि वो 3 रोलर होते हैं, वो 3 प्लेटें होती हैं, वो अखबार वो घूमते हैं ना, एक से छप के निकलता है दूसरे में एंटर होता है फिर तीसरे में, तो वो 1 गो में तीनों ही छाप देते हैं लाइन से, और एंड में वो अखबार वो कलर वाला में नज़र आता है। तो वो 3 कलर बेसिक जो है वो रेड ब्लू ग्रीन जो है, या उस पर ये चल रहा होता है सारा। वेल तो ये जस्ट मैंने कॉन्टेक्स्ट के लिए बात कर ली। तो अब हमारे पास केस क्या है कि हमें जो है एक वर्जन बनाना है डिजिटल उसका। अच्छा ये MS वर्ड वगैरह भी बहुत बाद की बात है, उस वक्त तो ये सब कुछ भी नहीं था, तो ये पहली दफ़ा हो रहा था ये कि हमारे पास एक पम्फलेट मौजूद है हैंड से लिखा हुआ, हैंड रिटन सारा मार्कअप वाला उसमें हुआ हुआ है काम, और उसका हमें एक डिजिटल वर्जन बनाना है। तो कंप्यूटर तो भाई समझता है एक लैंग्वेज, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस वक्त आ चुकी थी, तो ये तो बात डिसाइड हो गई थी कि अच्छा कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए जो चीज़ बनाई जाएगी ना उसका नाम रखा जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन्होंने कहा अच्छा यार मार्कअप का भी एक लैंग्वेज बनाते हैं, तो ये मार्कअप लैंग्वेज नाम डिवाइस हुआ उस ज़माने में, कि मार्कअप को ना ऐसा बनाए लैंग्वेज कि मार्कअप हम कंप्यूटर को समझा दें कि मार्कअप कैसा है, तो मार्कअप लैंग्वेज इन्होंने बनाई। अच्छा मार्कअप लैंग्वेज कैसी इन्होंने बनाई उसका ज़रा मैं आपको डेमो करके दिखाऊँ। ये VS कोड मैंने ओपन किया और ये सेक्शन B आपका मैं आ जाता हूँ,
अच्छा ये वही फाइल है जो लास्ट क्लास में हमने बनाई थी, राइट। अच्छा मैं इसके साथ में एक फाइल और बना लेता हूँ मार्कअप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। असल में जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो मार्कअप जो बनाया ना उस ज़माने में, मार्कअप लैंग्वेज, तो वो क्या बना दी। न्यू फाइल बनाई मैंने, सही है, न्यू फाइल। इस बटन को क्लिक करने से न्यू फाइल का ही ऑप्शन आ जाता है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। एक मैंने ये फाइल बना ली। अच्छा ये डॉट एच टी एम एल मैंने इसलिए बनाई है कि मेरे कंप्यूटर को ये समझ आए कि ये एच टी एम एल फाइल है। अच्छा डॉट एम पी थ्री अगर होता ना तो इसमें तो कंप्यूटर को लगता कि ये ऑडियो फाइल है, तो जब उसको कोई मैं किसी को भेजूंगा या बाद में खुद ही मैं उसको खोलने की कोशिश करूंगा तो उसको मीडिया प्लेयर के साथ खोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि एम पी थ्री अगर लगा हुआ होगा तो। अभी इसमें एच टी एम एल लगा हुआ है ना, तो मैं अपने कंप्यूटर में बाद में खोलूंगा या किसी को भेजूंगा तो जब वो डबल क्लिक करके ओपन करेगा इसको तो ऑटोमेटिकली ये वेब ब्राउज़र के साथ ओपन होगा, क्योंकि एच टी एम एल फाइल उसको समझ आ जाएगा कि ये वेबसाइट है, एक ये छोटी सी वेबसाइट है, एक छोटा सा एच टी एम एल का डॉक्यूमेंट है। तो एच टी एम एल डॉक्यूमेंट ब्राउज़र के साथ खुलता है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी वगैरह इनके साथ, तो इन्हीं के साथ खोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए कि ये कौन सी फाइल मैंने बनाई है इसलिए एच टी एम एल लिखा है। अच्छा अभी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये गौर से इसको देखें। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक बात लिखी हेलो और सेव कर दिया। अच्छा सेव करने के बाद मैं गया यहाँ पे जाके उसको मैंने क्या किया, ये ना सेक्शन बी के अंदर ये देखें अभी जो मैंने फाइल बनाई है वो यहाँ बनी भी आ गई। इसको मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही देखें ब्राउज़र पे ऑटोमेटिक ओपन हो गया और छोटा सा हेलो लिखा आ गया ऊपर बिल्कुल कोने में, सही है। अच्छा तो ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे बुक सबसे फर्स्ट पे चाहिए, फिर कोडिंग चाहिए, फिर ब्राउज़र चाहिए, ठीक है इस सीक्वेंस में। अच्छा उन्होंने क्या बोला साइंटिस्ट ने, जो उस वक्त के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यार एक काम करो इसमें लगाओ ऐसे एक एच वन इधर और एक लगा दो एच वन इधर, ठीक है। अब ये सिंटैक्स इसका कैसे है ये हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हम अलग से ये पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज़ कैसे काम करती है। तो उन्होंने बोला यार जो भी लिखी हुई है ना बात, हेलो लिखा हुआ है ना अगर, तो उसको अगर आप चाहते हैं कि मैं हेडिंग बना दूँ बड़ा करके दिखा दूँ तो उसमें एच वन इधर और एच वन इधर में ना उसको रैप कर दें, इनक्लोज कर दें उस मार्कअप के दरमियान उसको। तो ये डिजिटली अगर तो पेपर होता ना मेरे हाथ में और मार्कर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसे मार्कर से यूँ बनाता ये और बड़ा सा हेडिंग हाथ से लिखता, लेकिन यार डिजिटली ना मुझे क्या करना पड़ रहा है ये मार्कअप के दरमियान में रैप करना पड़ रहा है। इसको टेक्निकली कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। अभी तो वो पूरा बुक हमारी एलिमेंट में चलेगी तो इसको मार्कअप मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसको एचटीएमएल के अंदर वो एलिमेंट कहते हैं क्योंकि डिजिटल फॉर्म है ये, वो वाली फॉर्म नहीं है हाथ वाली। अच्छा तो एच वन के मार्कअप इधर लगाया और एच वन का मार्कअप इधर लगाया तो बीच की जो दरमियान में जो चीज़ इसके आई ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर उसको क्या समझ जाएगा कि इसको एज अ हेडिंग वन दिखाना है बड़ा करके। अच्छा इसको मैं क्या करूँगा, सेव किया मैंने और सेव करके वापस ब्राउज़र में आया और मैंने रिफ़्रेश किया इसको पेज को तो देखें वो हेडिंग बन के आ गया। अच्छा फिर मैं एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ इसी बुक से ही कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, एक पैराग्राफ कॉपी करके मैं ये इसके नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि बेटर आपको दिख रहा हो कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये हेडिंग आ गई, ये पैराग्राफ आ गया, बिल्कुल सही है। कैसे, अच्छा इसमें मैंने मार्कअप कोई नहीं लगाया, लेकिन ये तो जो पैराग्राफ में तो कोई मार्कअप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, एक और पैराग्राफ लगाता हूँ इसी के नीचे, ये दूसरा पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ ये, एक पैराग्राफ ये, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये तो मिक्स हो गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी इन्होंने बोला कि यार पैराग्राफ का ना पी का ऐसे एक मार्कअप होगा। ये ओपन हो गया मार्कअप और ये यहां पे क्या हो गया, क्लोज हो गया मार्कअप, ठीक है। अच्छा फिर इसमें यहां पे भी क्या होगा, तो अब मैंने बोला कि पैराग्राफ का मार्कअप ओपन और पैराग्राफ का मार्कअप क्लोज और दरमियान में जो भी टेक्स्ट है उसको एज अ पैराग्राफ ट्रीट किया जाए। तो अब देखें ये जो मिक्स हो गया था ना ये अलग अलग हो गया, ये दो अलग अलग पैराग्राफ के तौर पर इसको ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा इसी तरीके से अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कोई और बात लिखी मैंने, मैंने कहा कि यार दिस इज सम टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये कैसे दिखेगा, अभी फ़िलहाल के लिए ये सिंपल टेक्स्ट के तौर पर दिख गया,
मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या कर दूँ, बोल्ड कर दूँ मिसाल के तौर पर। हेडिंग तो हमने कर लिया, ऊपर की हेडिंग आ गई, इसको बोल्ड कर दूँ मैं। ये भी तो मार्कअप है ना कि किसी चीज़ को बोल्ड करके लिखा है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, इसको आके यहाँ पे कहा कि बी, और बी का टैग ओपन और बी का टैग क्लोज। तो ये दरमियान वाली चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। तो ये एक एक करके ना देखें आप, सारे मार्कअप हमें पता चलते जा रहे हैं, है ना। आसान है, मुश्किल तो नहीं है ये। हाँ, क्लोज में अभी तो ये बुक में भी ये डिटेल में आ जाएगा कि ये क्लोजिंग, वैसे तो आपको दिख गया ये कि क्या डिफरेंस है, लेकिन वो बुक में भी उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि ओपनिंग टैग दिखने में कैसा होता है, क्लोजिंग टैग दिखने में कैसा होता है। तो ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यार मार्कअप चीज़ क्या है, जो उस वक्त के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो पम्फलेट को डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज बनाई कि कंप्यूटर को ये समझाया जा सके कि ये जो मार्कअप पेपर पे बना हुआ है ना, इसको मिमिक कैसे करना है, कहाँ पे क्या लगाना है। तो हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ बोल्ड के साथ साथ इसको इटैलिक भी कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको आई का एक टैग होता है इटैलिक इसमें, और यहाँ पे आई का टैग फिर क्लोज, सही है। तो ये बोल्ड के साथ साथ ये इटैलिक भी हो गया। पहले बोल्ड लगाया मैंने, फिर इटैलिक लगा दिया। अच्छा, पहले इटैलिक फिर बोल्ड भी लगा सकता था, अपोजिट, नो प्रॉब्लम। आ जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया तो ये बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी हो गया। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि HTML जो उस ज़माने में मार्कअप लैंग्वेज बनी थी वो असल में क्या चीज़ थी। अच्छा, इसी तरह के अब और भी मार्कअप होंगे, अब वो एक एक करके हम सारे मार्कअप जब सीख जाएंगे तो पूरा HTML सीख जाएंगे, पूरी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाएंगे। जी दोस्त, हाँ, फॉन्ट साइज़ भी चेंज होगा, वो हम HTML के बाद हम एक चीज़ पढ़ेंगे, CSS, स्टाइलिंग, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो उसमें ना जो स्टाइलिंग से मुतल चीज़ें सारी, वो हम इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे, ठीक है। वो अभी हम HTML में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। HTML में स्ट्रक्चर वाली चीज़ बनती है सारी, जो स्ट्रक्चर होगा, जो स्टाइलिंग होती है वो फिर हम CSS में करेंगे। तो शुरू के 8 चैप्टर HTML, उसके बाद CSS, ठीक है। जो जो मार्कअप आप एक पेपर पे कर सकते हैं ना, वो सारा इस पे कर सकते हैं, और कुछ एडिशनल चीज़ें भी कर सकते हैं जो पेपर पे पॉसिबल नहीं है, जैसे कि वीडियो लगा सकते हैं आप, वो पेपर पे पॉसिबल नहीं है। इस तरह एनिमेशन लगा लेते हैं हम, वो भी पेपर पे नहीं हो सकता। तो जो एक वेबसाइट में आप, हम सब लोग डेली वेबसाइट विज़िट करते हैं, इंटरनेट के हम डेली यूज़र हैं, तो हम सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक वेबसाइट में क्या क्या कुछ हो जाता है। तो वो जो भी कुछ बनती है ना वेबसाइट में, तो उसका जो सबसे पहला टूल या पहली लैंग्वेज जो हमें रिक्वायर्ड होती है, वो HTML चाहिए होती है। पहले HTML करते हैं, फिर कलर वगैरह और ये स्टाइलिंग के लिए फिर CSS उस पर लगाते हैं। HTML को हम देंगे एक महीना, 8 चैप्टर हैं टोटल। फिर इसी तरह एक महीना हम CSS को, शायद एक महीने से भी कुछ कम हम CSS को देंगे। उसके बाद फिर हम ऑनवर्ड्स अभी आगे की ज़्यादा फिर करेंगे ना, तो वो हो जाएगा, एनजाइटी हो जाएगी कि यार इतना है। तो अभी सिर्फ HTML और CSS की हद तक हम सोचते हैं, उसके आगे सोचने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये यहाँ पे ना हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, कि वो इस तरह करके ना मार्कअप करके उन्होंने क्या किया, वो पूरा पंपलेट डिज़ाइन कर दिया। और उसको फिर अब क्या होता था कि दुकान का वो IP लिखा, या डोमेन नेम अगर ख़रीदा हुआ है उसने तो डोमेन नेम लिखा facebook.com, और वहाँ से वो पूरा एक मार्कअप लैंग्वेज पूरा उठ के आता है और यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है इस इंट्रोडक्शन से मुताल्लिक? जी दोस्त, हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा दोस्त ने, आई अप्रिशिएट। देखें, उसने सवाल आधा इल्म है, आप सब सर की हदीस है ये कि जो अच्छा सवाल पूछना ना आधा इल्म है। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, सब लोग पहले तो उनके लिए क्लैपिंग करें प्लीज। थैंक यू सो मच यार, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा। अच्छा देखें, जो VS कोड है ना, हमने 2-3 टूल इस्तेमाल किए हैं, इनका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। इनका सवाल ये है कि हम जो ये काम कर रहे हैं, ये तो नोटपैड पे भी लिख के हम सेव करते तो हो जाता, तो VS कोड एक हमने यूज़ किया, उसकी क्या ज़रूरत है। दूसरा, GitHub का क्या रोल है इसके अंदर, गिट और गिटहब का क्या रोल है। अच्छा, तो VS कोड एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है। शुरू में ही जैसे कर किया था मैंने, और इन्होंने वेबसाइट पे भी लिखा, दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर, नथिंग एल्स। जो काम नोटपैड पे होता है ना, वही काम इस पे भी होता है, मगर इसमें कुछ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जैसे अब आप देखें ना, कि H1 मैंने लिखा था जब, तो मैंने H1 जैसे लिखा ना, नीचे सजेशन आ रहा है, मैंने एंटर किया तो ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बना के दे दिया उसने। तो ये कुछ
फीचर्स ऐसे इसके अंदर रखे गए हैं, कुछ ऐसा कन्वीनियंस इसके अंदर रखा गया है कि कोडिंग लिखने में ना इसमें आसानी होती है। फिर कहीं पर गलती होती है ना तो समटाइम ये बता भी देता है कि यार यहाँ पर आपने गड़बड़ कर दी। अच्छा, तो नोट पैड में ना ये चीज़ें नहीं है। फिर नोट पैड में ये फाइल वगैरह इस तरह वो दिखाता नहीं है, एक वक्त में एक फाइल खुलती है। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि दिस टेक्स्ट एडिटर इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर राइटिंग कोड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ना, कोडिंग लिखने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया, तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वी एस कोड एक वाहिद एडिटर है, इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर मौजूद हैं जो कोडिंग लिखने के लिए बनाए गए हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट है, वेब स्ट्रोम है, ड्रीम वीवर एक हुआ करता था बहुत पुराना है ना, तो बहुत सारे हैं, सी नोट पैड प्लस प्लस पता नहीं है वो एक, वो भी लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हम वी एस कोड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेवलपर्स हैं वो इसको प्रेफर कर रहे हैं। लाइट वेट है, छोटा सा, जल्दी डाउनलोड हो जाता है, जल्दी सेटअप हो जाता है, हैवी नहीं है, और एक्सटेंशन इसके अंदर होती हैं तो कुछ भी ऐड करते रहो इसके अंदर, वो एक्सटेंशन वगैरह भी हमने एक्सप्लोर नहीं की, वो करेंगे। तो नोट पैड में ना ये फीचर नहीं मिलते, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। दूसरा सवाल, गिट हब क्यों यूज़ करेंगे? गिट हब में क्या होगा कि अब जैसे देखें, ये अभी हम हेलो वर्ल्ड बनाएंगे थोड़ी देर में, तो हेलो वर्ल्ड में फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसको उठा के गिट हब में पुश कर देंगे। जैसा कि मैंने पहली क्लास में जिक्र किया था कि github.com सोशल मीडिया है डेवलपर्स का, लोग अपना कोड वहाँ पे शेयर करते हैं, आप अपना कोड शेयर करेंगे, मैं भी अपना ये जो कोड लिख रहा हूँ ये मैं शेयर करूँगा। अच्छा, और फिर वो लोग उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जैसे फेसबुक पे करते हैं, तो वो मार्केटिंग का चक्कर है ना। अभी आप मेरे मैम, जैसे मैंने पहली क्लास में जिक्र किया था, मैं कहता हूँ मुझे 10 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अभी कोई बोलेगा कि सर आपकी तो उम्र इतनी नहीं है, 10 साल का आप कह रहे हैं, कैसे है? अच्छा, डिग्री कोई है नहीं मेरे पास, क्या कहते हैं, डिग्री में एडमिशन लिया था फिर वो मुझे मज़ा ही नहीं आया उसमें, जितना वो पूरे महीने में पढ़ाते थे तो उतना मैं एक दिन में पढ़ता हूँ, वहाँ तो जाके मुझे लगता था मैं पीछे हो गया और भूल गया सब, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, जाना ही छोड़ दिया। तो और फिर मैं जो बात करता था वो उनके समझ ही नहीं आती थी और ना उनकी बात मुझे समझ आती थी, तो मैंने कहा भाई अल्लाह हाफिज़। अच्छा, फिर तो 10 साल का एक्सपीरियंस, कोई नौकरी करता है तो उससे पता चलता है, तो नौकरी कभी ज़िंदगी में कोई की नहीं है, फ्रीलांसिंग की है, 2012-13 से शुरू की थी, आज तक फ्रीलांसिंग ही है। अच्छा, तो सैलानी में भी जो पढ़ा वढ़ा रहा हूँ तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो तो कोई नौकरी तो है नहीं, तो क्या क्या उसका सबूत है भाई, 10 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का। तो एक तो तरीका ये है कि आप शायद मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ बातचीत करें, फिर साथ में बैठ के काम वाम करें, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि नहीं यार इस बंदे को थोड़ा बहुत कुछ आता है, एक्सपीरियंस है, आप कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं ठीक है। लेकिन पहली नज़र में फौरी तौर पे तो आप मेरे जाएंगे github.com पे और वहाँ पे जाके आप ये देखेंगे कि ये रिपोजिटरीज बनी हुई हैं, 336 रिपोजिटरीज। अब ये इसमें आप देखते रहे कि मैंने कब क्या काम किया, आप आज से मेरे ख्याल अभी ओवरव्यू में नीचे ये शो कर रहा होता है, ये आप देखें ना, 2015 में मैंने ये GitHub ज्वाइन किया था और उस वक्त से जो भी मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ या कोई भी पब्लिक कोड करता हूँ तो वो यहाँ पे मैं पुश करता हूँ। ये ग्रीन डॉट का मतलब है कि कोई काम किया मैंने, इस दिन कुछ कोड पुश किया, ये पूरा कैलेंडर है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये पूरा करके ना 2023 का पूरा कैलेंडर शो हो रहा है, तो वो शो हो रहा है यहाँ पे कि क्या काम करता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेट क्रेडेंशियल है आपका। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप जाके 2015 में देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था, है ना, ये देखें 52 कमिट किए हैं मैंने अलग अलग रिपॉजिटरी में। ये देखें, मीन स्टैक सीख रहा था मैं, हरिको पे कुछ डिप्लॉय कर रहा था, गल्प और टाइप स्क्रिप्ट सीख रहा था मैं 2015 में, या कुछ पढ़ रहा था या कुछ पढ़ा रहा था या कुछ प्रोजेक्ट बना रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था, है ना। तो ये एक अल्टीमेट क्रेडेंशियल है। और दूसरा ये कि आपका कोड जो आप शेयर करेंगे ना लोगों से, वो आप github.com पे करेंगे। अच्छा, फिर आजकल जो क्लाइंट आता है ना नया, अभी फ्रीलांस पे कोई प्रोजेक्ट पकड़ा आपने या इवन दो कहीं कंपनी में भी जॉब करेंगे आप, तो वो आपको ये एजम्पशन होगी कि इसको गिट आता है। सामने से वो आपको, जब जाहिर है कोई एग्जिस्टिंग चलता हुआ प्रोजेक्ट होगा जिस पर आप काम करेंगे, तो वो आपको गिट की रिपोजिटरी का लिंक दे देगा, कहेगा यार ये अपने पर क्लोन कर लो और इसमें ना फला फला पेज पे जाके ना, गैलरी के पेज पे जाके वो पिक्चर ना एक दूसरे पे ऐसे हो रही हैं, चढ़ रही हैं, उसको ज़रा देख लो क्या मसला है, सही कर दो। अब आपको तो गिट आता ही नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गिट जो है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, इस वक्त गिट सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। एक दर्जी अगर आपसे कह दे कि उसको मशीन चलानी नहीं आती ना, तो उसके दर्जी होने पे सवालिया निशान है। तो इसी तरह अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर ये कह दे कि उसको गिट का नहीं पता, गिट हब का नहीं पता, तो उसके डेवलपर होने पे सवालिया निशान है, ठीक है। तो हमने इसलिए सबसे पहले गिट पढ़ा है। अच्छा, अब आप ऑनवर्ड्स जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी हम हेलो वर्ल्ड करने लगे हैं इसके फौरन बाद, तो हेलो वर्ल्ड जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो आप सब लोगों ने भी हेलो वर्ल्ड करना है ना, आप सब लोगों को टास्क मिल जाएगा कि यार यही सेम हेलो वर्ल्ड आपने भी करना है। उसको करके आपने github.com पे पुश कर देना है अपनी रिपोजिटरी में।
तो वो एक रिकॉर्ड भी हो गया कि आज 13 मार्च 2023 को आपने HTML पढ़ना शुरू कर दिया, एक तो ये रिकॉर्ड भी हो गया। दूसरा, वो आप शेयर करें फिर फेसबुक पे, लिंक्डइन पे लोगों को बताएं, और क्या कहते हैं, मुझे भी फॉलो करें, और मैं फिर उसको, मुझे नोटिफिकेशन आएगी आपकी, मैं उसको लाइक करूंगा आपके प्रोजेक्ट को। तो ये है डेवलपर्स का सोशल मीडिया, एक जगह मिल बैठने की जगह है। अच्छा, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको कवर करते हैं, अदरवाइज फिर हम मूव करते हैं हेलो वर्ल्ड की तरफ। किसी का कोई सवाल है? ऑब्सोलीट नहीं हुआ HTML, HTML का जो वर्जन है ना इस वक्त राइट नाउ वो चल रहा है 5, हम वो पढ़ेंगे। ज़ाहिर है जब ये आई थी तो उस वक्त वर्जन 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अल्टीमेटली 2009 में या 2008 में ये रिलीज़ हुआ था 5, आई एम नॉट श्योर, बुक में उसका जिक्र है कि कब हुआ था वो। तो वो HTML 5 इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है HTML का, जिस पे तमाम ये जो जदीद वेबसाइट है ना, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, ये सब HTML 5 के ऊपर बने हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। ऑब्सोलीट नहीं हुआ ये, इसका नया वर्जन आ गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, इसमें इंशाल्लाह ये जो ये क्लास, बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, जब ये क्लास आपकी कंप्लीट होगी, तो हम फेसबुक जैसी ऐप हम इंशाल्लाह ऐसे बना के निकलेंगे आप सब लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल ये कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप, हम सब लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं, तो जो जो वेबसाइट में आपने आज तक होता हुआ देखा है ना, वो सब इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, जाहिर है वो सब लेकिन इस क्लास में हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, वो तमाम चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये कि फिर तो स्काई इज़ द लिमिट है ना। अच्छा, HTML का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, HTML इज़ द ओनली वन लैंग्वेज। जी दोस्त, जी बिल्कुल, इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, उसी तरह है। मैंने कल भाई दबे, हाँ नहीं, ये बिल्कुल आपका सही सवाल है। उसमें तो अभी तो चैट जीपीटी में ये होता है कि आप लिखते हैं ना कि क्रिएट अ साइन अप पेज या लॉगिन पेज, तो वो पूरा लॉगिन पेज बना के ले आता है ना, ये होता है। तो मैंने कल ना एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर ये जिक्र हो रहा था, तो बड़ी डिटेल में मैंने बात की है कि चैट जीपीटी 4 जो रिलीज़ हो रहा है, उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में, और जो वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, और जो डेवलपर्स को लग रहा है कि उनकी जॉब चली जाएगी, तो उन उस कॉन्टेक्स्ट में पूरी डिटेल डिस्कशन हुई है। तो वो आप अगर सुनेंगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी वो बात कर सकता हूँ, मतलब मैं दोबारा वो, क्योंकि एक तो लंबी बात है, दूसरा अभी इस पॉइंट पे ना वो बात रेलिवेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो इसलिए फ़िलहाल वो मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई भी उसमें इंटरेस्टेड है, तो कल वो अपलोड किया मैंने शाम को, तो आप जाके देखेंगे कि रिलीज़ ऑफ चैट जीपीटी 4, और साथ में मेरा नाम लिखेंगे तो आ जाएगी वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं, 20-25 मिनट की गुफ्तगू है। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं हेलो वर्ल्ड की तरफ। हेलो वर्ल्ड,